हाय एवरीवन, मैं प्रियंका और आपका स्वागत है हमारे चैनल होम एंड मच मोर में। तो इस चैनल की शुरुआत हम कर रहे हैं, आज हमारा पहला वीडियो है। तो रीज़न ये है कि द टेरेस किचन पे हमें काफ़ी रिक्वेस्ट मिल रही थी कि अपने घर का टूर दिखाएं या फिर कभी व्लॉग दिखाएं, और इन चीज़ों को कुकिंग चैनल के साथ इंटीग्रेट करना इतना सही नहीं लगता है। और हम लोग काफ़ी दिनों से सोच भी रहे थे कि जैसे होम ऑर्गेनाइजेशन, डेकोर या फिर कुछ DIY चीज़ें हैं जो मुझे एक्चुअल में करना बहुत पसंद है। मैं कभी अपना पुराना वाला जो कलेक्शन है वो भी शेयर करूंगी। तो हमने सोचा कि इस चैनल की शुरुआत करते हैं और पहला वीडियो डालते हैं होम टूर का, और आगे आगे हम और भी वीडियोस पोस्ट करेंगे। मुझे पर्सनली ऑर्गेनाइज रहना, चीज़ें सही से रखना, साफ़ रखना ये बहुत पसंद है, बचपन से ही पसंद है। और कॉलेज के हॉस्टल में मेरी इन्हीं आदतों की वजह से मुझे मोनिका भी बोलते थे। अगर आप फ्रेंड्स फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा ये मोनिका कैरेक्टर क्या है और किस चीज़ के लिए फेमस है। तो इस चैनल में मैं आपको DIYs या फिर घर को आप कैसे अच्छे से रख सकते हैं, और साथ ही में अगर पॉसिबल हो पाया तो किसी दिन एक डेली वाला व्लॉग, जिसके लिए हमें काफ़ी रिक्वेस्ट आती है द टेरेस किचन पे, तो वो भी शेयर करूंगी। तो ये जो सारी कैटेगरीज है जिसमें रेसिपी नहीं है, अगर आप चाहते हैं कि कोई पर्टिकुलर टॉपिक पे हम वीडियो बनाएं तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं। जितना लव एंड सपोर्ट आपने हमारे द टेरेस किचन चैनल को दिया है, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इस चैनल को भी सपोर्ट करेंगे। तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। तो चलिए अब देखते हैं घर का टूर। मेन डोर से एंटर करते से ही है हमारा लिविंग रूम। तो हमारे घर में फॉयर एरिया नहीं है, डायरेक्टली हम लिविंग रूम में ही एंटर करते हैं। हमारा डाइनिंग स्पेस लिविंग रूम से ही अटैच्ड है, और डाइनिंग स्पेस की एक तरफ है हमारा टेरेस और एक तरफ है हमारा किचन। हमारा जो ये सोफ़ा है पहले ब्राउन कलर के लेदर का हुआ करता था, लेकिन एक दो साल के बाद उसका जो लेदर है वो पील हो गया, तो हमने यहाँ शिफ्ट करने के टाइम पे अपना जो सोफ़ा है इसका कवर चेंज कर लिया और कपड़े वाला करवा लिया। ये है टीवी यूनिट, इसे हमने सिंपल रखा है, और पीछे विनियर है, और जो आप यहाँ पर वास देख रहे हैं नॉर्मली ये नीचे होता है, लेकिन राहिन्ने की वजह से हमने यहाँ रखा हुआ है। तो जैसा मैंने कहा, हमारे घर में फॉयर एरिया नहीं है, तो ये हमने एक स्टोरेज यूनिट बनवाया है। ये कस्टम मेड है, प्लाईवुड का है, लेकिन इसके ऊपर विनियर लगा हुआ है। किसी और वीडियो में आपको डिटेल में दिखाऊंगी कि इसमें क्या है। और ये कुछ आर्टिफैक्ट्स हैं, कुछ बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट है, यानी कुछ पुरानी चीज़ों को नए से यूज़ करके हमने यहाँ पर रखा हुआ है। जो अभी हमने स्टोरेज यूनिट देखा उसके ऑपोजिट साइड में है ये वॉल। तो इस वॉल पर हमने बहुत ही सिंपल और बहुत ही हल्के कलर का वॉलपेपर लगवाया है, और ये है कस्टम मिरर। तो इस मिरर को हमने बनवाया है इसकी फ्रेम डिज़ाइन सेलेक्ट करके, और ये कुछ आर्टिफैक्ट्स यहाँ पर रखे हैं। इसके नीचे भी रखे जा सकते हैं, लेकिन राहिन्ने की वजह से हमने यहाँ पर कुछ भी नहीं रखा है। ये हमारा सेंटर टेबल है, इसके ऊपर एक पुरानी पीतल की प्लेट में मैंने पॉपुरी रखी है, इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है। बहुत सारे प्रोडक्ट्स हमारे अमेज़ॉन से लिए गए हैं, आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स चेक कर सकते हैं। ये कॉर्नर पे हमने एक बहुत ही अलग टाइप का लैम्प रखा है, मेरे हस्बैंड को ये बहुत पसंद आया था, हमने पुणे में कैंप एरिया से लिया है। और ये बुद्धा का स्टैचू है, और उसके साइड में एक आर्टिफिशियल प्लांट है, और ये कस्टम मेड पेंटिंग है, बहुत सुंदर लगती है इस लिविंग रूम में। और ये है हमारा डाइनिंग स्पेस। जैसा कि मैंने कहा था, हमारा डाइनिंग स्पेस हमारे लिविंग रूम से ही कनेक्टेड है, और उसके पीछे जो वॉल आप देख रहे हैं ये मिरर है, इस पर हमने ये कस्टम बनवाया था, बहुत ही मुश्किल हुई थी इसे हमारे कारपेंटर को भी बनाने में। तो मिरर का इस्तेमाल जब हम करते हैं तो इसके दो फायदे हैं, एक तो ये बहुत सुंदर लगता है, और साथ ही में छोटी स्पेस को ये थोड़ा बड़ा दिखाता है, तो ऐसा लगता है कि स्पेस थोड़ी सी बड़ी है। और ये है हमारा किचन। तो किचन में हमने इस बात का ध्यान रखा है कि स्टोरेज मैक्सिमम हो, क्योंकि आपको तो पता ही होगा अपार्टमेंट्स में जगह की प्रॉब्लम होती है, और हम चाहते हैं कि हम हमारी सारी चीज़ें अच्छे से रख पाए, तो मैक्सिमम स्टोरेज है जितना पॉसिबल हो पाया। और ये किचन की वॉल पर थोड़ा सा डेकोरेशन है, तो ये सब भी मैंने अमेज़ॉन से लिया है, आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनकी लिंक्स मिल जाएंगी। हमने हमारे किचन की खिड़की में ये पर्दा लगाया है, क्योंकि जो पर्दा है वो सिंक के पास है, और जो गैस स्टोव है यानी हॉब है उससे काफ़ी दूर है।
क्योंकि हमें किचन में मैक्सिमम स्टोरेज चाहिए था, तो जो चिमनी है वो हमने डक्टलेस लगवाई है ताकि उसके ऊपर और उसके अगल बगल वाले जो कंपार्टमेंट्स हैं वो हमारे सामान के स्टोरेज के लिए हमें मिल सकें। ये 4 बर्नर वाला हॉब है और ये 2 ऑयल की बॉटल्स और ये छोटा सा जो नल आप देख रहे हैं यू शेप का, ये आरओ का टैप है। मैं कभी किचन की टूर में डिटेल में आपको दिखाऊंगी कि ये कैसे काम करता है। और ये दूसरी साइड है जहाँ पे हमारा रेफ्रिजरेटर है, एक छोटा सा काउंटर है और थोड़ी बहुत और ट्रॉलीज हैं इस साइड पर और ओवंस हैं। ये बिल्ट इन ओवंस हैं। ये नकली लहसुन है, ये भी मैंने अमेजोन से लिया है, सस्ता है और बहुत अच्छा भी लगता है। और ये जो फ्लावर पॉट्स आप देख रहे हैं ये मैंने शॉप से लिए थे। ये फ्रिज मैग्नेट्स हैं, कुछ हमने लिए हैं, कुछ हमारे फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स ने दिए हैं। तो डाइनिंग स्पेस के इस तरफ है किचन और दूसरी साइड है टेरेस। तो ये हमारा टेरेस है जहां पर हमारा जो दूसरा चैनल है द टेरेस किचन, वहां के रेसिपी वीडियोस हम शूट करते हैं। जब शूट हम नहीं कर रहे होते हैं तो टेरेस कुछ इस तरह दिखता है। ये कुछ फ्रेम्स है जिस पर मोटिवेशनल कोट्स लिखे हुए हैं, कभी कभार पढ़ने की जरूरत पड़ जाती है। और जो सामने आप ये काउंटर और ये शेल्फ देख रहे हैं, अगर आप टेरेस किचन को फॉलो करते हैं तो आपको समझ आ ही गया होगा कि ये किस लिए हैं। तो हमारे टेरेस के इस कॉर्नर में एक छोटा सा टेबल चेयर का सेट है, छोटा है लेकिन मजबूत है। हम नॉर्मली यहाँ पे इवनिंग में चाय के लिए या फिर स्नैक्स के लिए बैठते हैं, बहुत अच्छा लगता है। बाय द वे, पुणे में बड़ी बालकनी को टेरेस कहा जाता है। और ये दूसरे साइड की वॉल है जिसे हमने थोड़ा डेकोरेट किया है। और ये लाउंजर या बेंच जो आप देख रहे हैं, इस पे आराम से 3 लोग बैठ सकते हैं। ये जो मास्क आप देख रहे हैं ये बहुत ही सुंदर है, जब हम लास्ट गोवा गए थे तब वहां से लिए थे, एक अंकल से बार्गेन करके बहुत ही अच्छे रेट में मिले थे। तो ये थोड़ा बहुत व्यू जो हमारे बालकनी से आता है वो आपको यहाँ पर हम दिखा रहे हैं। डाइनिंग स्पेस और किचन के बीच से जाता है हमारा पैसेज, जिसमें राइट में जो पहला दरवाजा आप देख रहे हैं वो है हमारे ड्राई टेरेस का, यानी यूटिलिटी एरिया का। यूटिलिटी एरिया काफी छोटा है लेकिन उसका हमने मैक्सिमम यूज किया है, किसी और वीडियो में मैं आपको डिटेल में दिखाऊंगी। और ये पैसेज में भी थोड़ा सा डेकोरेशन किया है। ये 2 झरोखे हैं और झरोखे के बीच में एक वॉल ब्रैकेट है लकड़ी का। ये सब चीजें मैंने अमेजोन से ही ली है। बस ये जो फ्लावर पॉट देख रहे हैं आप, ये मैंने एक शॉप से खरीदा था, लेकिन इस तरह के काफी फ्लावर पॉट्स अमेजोन पर भी अवेलेबल हैं। और जो दूसरे साइड की वॉल है, यहाँ पर हमने कुछ फैमिली फोटोग्राफ्स लगाए हैं जो कि अधूरी है। इस पे हमें और फोटोग्राफ्स लगाने थे लेकिन अभी सिचुएशन तो आप जानते ही हैं। हमारा 2 BHK फ्लैट है जिसमें से यह है किड्स रूम, किड्स रूम कहा जाता है। इसे शेयर करते हैं मेरी मदर इन लॉ और राहिन ने। तो 2 बेड्स से हमने वॉल के दोनों तरफ लगाए हैं और बीच में एक काफी कॉम्पैक्ट सा स्टडी टेबल है। और ये बेड के पीछे वाली वॉल पर एक वॉलपेपर है बहुत अच्छा, और 2 नीश है दोनों साइड पर जिसमें हमने थोड़े बहुत डेकोरेटिव आइटम्स रखे हैं। और राहिने की साइड पे काफी सारे सॉफ्ट टॉयज रखे हैं। तो स्टडी टेबल के पीछे एक छोटा सा सॉफ्ट बोर्ड या पिन बोर्ड है और एक छोटा सा ओपन नीश है और थोड़ा स्टोरेज है। दूसरी साइड पे है वार्डरोब। तो दूसरी साइड को हमने स्टोरेज के लिए बहुत अच्छे से यूज किया है। कमरा छोटा है और स्टोरेज की जरूरत पड़ती ही है। और साथ ही में साइड में आप देख रहे हैं मंदिर। और ये है हमारा मास्टर बेडरूम। एकदम सामने आपको दिख रहा होगा हमारा वर्क स्टेशन। आजकल घर से ही ऑफिस का काम कर रहे हैं तो यहीं पर पड़े रहते हैं। यह है वार्डरोब, डबल है, लेफ्ट साइड मेरे हस्बैंड का है और राइट साइड मेरा। और ये बेडरूम में एक वॉल पर है बड़ा सा मिरर और इसकी भी फ्रेम कस्टम मेड है। ये फ्रेम, ये मिरर और जो लिविंग रूम का मिरर और फ्रेम है साथ ही में बनवाए गए थे। और सामने ये पोर्टेबल टेबल और पूफी है जिसे मैं अपने ड्रेसिंग टेबल की तरह यूज करती हूँ, जिसे हटाया भी जा सकता है और यहाँ पर स्पेस बनाई जा सकती है। इसीलिए मैंने कोई फिक्स ड्रेसिंग टेबल नहीं बनाया, मैं चाहती थी कि जब जरूरत पड़े तो इसे हटाया भी जा सके। और ये है स्टडी टेबल। स्टडी टेबल पे हमारे चैनल का सिल्वर प्ले बटन है, गोल्ड वाला लिविंग रूम में रखा है
एक पेन स्टैंड है जो मैंने ऑफिस में कंपटीशन में जीता था, थोड़ा सा स्नैक है काम करते वक्त खाने के लिए, थोड़े डेकोरेटिव आइटम्स। ये जो कार्स आप देख रहे हैं सारी कार्स मेरे हस्बैंड की है, एक्सेप्ट एक जो राहिन्य की है। ये जो बास्केट आप अभी देख रहे हैं, ये जब मैं 6th स्टैंडर्ड में थी हम लोग वैष्णो देवी गए थे, वहां मेरे पेरेंट्स ने ये दिलाई थी। मुझे ये बहुत पसंद है, मैंने अब तक संभाल के इसे रखा है। और ये है क्वीन साइज बेड। बेड के दोनों साइड साइड टेबल्स हैं जिनमें स्टोरेज स्पेस भी है। और ये है मास्टर बेडरूम का बाथरूम। तो इसमें एक ग्लास सेपरेशन है, जो नहाने वाला यानी बेडिंग एरिया है वो उस साइड में है, और ये बाकी का साइड जहाँ पे आप वॉश बेसिन देख सकते हैं, वॉश बेसिन के पीछे भी स्टोरेज है। तो बाथरूम ऑर्गेनाइजेशन एंड स्टोरेज पे मैं अलग से एक डिटेल में वीडियो बनाऊंगी। ये जो पेंटिंग्स है ये बहुत सुंदर है। चार का सेट था तो दो हमने यहाँ लगाई है और दो जो कॉमन वाला बाथरूम है वहां पर। ये वाटरप्रूफ है, ये कॉमन वाला बाथरूम है। इससे पहले जो हम देख रहे थे वो मास्टर बेडरूम से अटैच था और ये पैसेज में है। इस बाथरूम में ग्लास का पार्टीशन नहीं है तो हमने यहाँ पर कर्टन लगाया हुआ है। यह है घर की कुछ क्लिप्स जो रात को ली हैं येलो लाइट्स ऑन करके। तो ये था हमारे इस चैनल का पहला वीडियो, हमारे होम टूर का वीडियो। आगे भी हम आपके लिए ऑर्गेनाइजेशन, DIY और बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोस लेकर आएंगे। तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। बाय।